हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के कटअप के बारे में। तो दोस्तों, ये जो कटअप बताई गई है ये एकदम एनालिसिस करके कटअप बनाई गई है। बहुत से स्टूडेंट के स्टेट वाइज जितनी भी कटअप देखी गई है, सारी की सारी आपकी जानकारी यहाँ पर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और क्या आपका कंपिटिशन लेवल रहने वाला है, सारी सारी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू देखते रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगीफुल होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे इस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही बने इस बेल आइकन बटन पर भी प्रेस करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको एसएससी जीडी की प्रत्येक अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। जितने भी स्टेट है, सारे स्टेट की अलग अलग आपको कटअप देखने को मिलेगी, साथ में कितना नॉर्मलाइज होगा उस स्टेट में, किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपने मोबाइल पर मिलती रहे। तो दोस्तों, कटअप बताने से पहले मैं कुछ मुद्दों पर आपसे बात कर लेता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली तो बात है, इसमें दोस्तों आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वह होती है जिसमें आपके मार्क्स बढ़ते हैं। अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो उसके आपके मार्क्स बढ़ गए, जो लो शिफ्ट वाले होते हैं उनके बराबर आपके मार्क्स लगभग कैलकुलेट किए जाते हैं। इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला तैयार है, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत बार उसका कैलकुलेशन करके दिखा चुका हूँ। और जैसे कि अभी रेलवे भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइज हो रहा है, उसी प्रकार से एसएससी जीडी में भी नॉर्मलाइज होगा। नॉर्मलाइज मतलब एक से अधिक जो शिफ्ट की परीक्षा होती है उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं आपको उससे बढ़े हुए मार्क्स ही देखने को मिलेंगे। बहुत कम चांस है जहां पर आपके मार्क्स घट सकते हैं। तो यह है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। आपके मन में जो भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई के माध्यम से आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। दूसरी दोस्तों बात यहाँ है कि दोस्तों, जो फॉर्म भरे गए हैं वो अपेक्षाकृत इस बार कंपटीशन लेवल कम देखा गया है। जैसे कि जो टोटल आपको वैकेंसी बता दूं, यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 58,373। और दोस्तों, यहाँ पर जो अब जो पीईटी के लिए, जो फिजिकल के लिए अभ्यर्थी लेने हैं, वो आप सभी को पता है 10 गुना लेने हैं। तो दोस्तों, वो हो गए आपके 583,730 अभ्यर्थी हो चुके हैं, यानी कि जो 583,730 अभ्यर्थी यहाँ पास किए जाएंगे। दोस्तों, आपको स्टेट वाइज सारी सारी जानकारी इस चैनल पर देखने को मिलेगी, जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये जितने भी आंकड़े बता रहा हूँ ये मैं स्टेट वाइज आपके आंकड़े बताने वाला हूँ, किसी स्टेट में कितना आपका कंपटीशन लेवल रहने वाला, वो सारी की सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टोटल स्टूडेंट दोस्तों जो फॉर्म भरे गए हैं, मैं आपको बता दूं, टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं वो है आपके 30,41,284 फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि अब देखा जाए तो आप लगभग 5.21% कंपटीशन लेवल रह गया है, यानी कि एक सीट के लिए 5 या 6 अभ्यर्थी रह गए हैं, यानी कि कंपटीशन लेवल बहुत ही कम रह गया है। इसकी वजह से आपके इस बार कटअप कम जाने के चांस है। लेकिन यहीं पर कहीं भी बात यही है कि आपके कटअप इस बार ज़्यादा देखी जाएगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने वाला, यानी कि मार्क्स बढ़ गए हैं, यानी कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपके कटअप बढ़ी हुई दिखेगी। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, सभी अभ्यर्थियों मार्क्स बढ़ेंगे तो आपके भी मार्क्स बढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद कटअप आपको बढ़ी हुई दिखेगी। और एक तीसरी बात यह है, इस बार सभी शिफ्ट देखी जाए तो ईजी देखने मिली है, लेकिन कहीं कहीं शिफ्ट ऐसी थी जो हार्ड थी, और ख़ास तौर से हिंदी का पेपर इस बार बहुत ही इजी लेवल का देखने को मिला था, जिसमें से 25 में से 22 मार्क्स अभ्यर्थी आराम से उसमें गेन कर सकते थे। और दोस्तों, अभी भी इसमें नॉर्मलाइज होने वाला है तो बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स मिलने वाले हैं। जिन अभ्यर्थियों के कम मार्क्स आ रहे हैं उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, इस बार उनके भी मार्क्स बढ़े हुए दिखेंगे। अब बात कर लेते हैं कटअप की। मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं आपके कटअप की। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात नहीं करने वाला हूं, जो आपके रो मार्क्स के अकॉर्डिंग जितने मार्क्स के कटअप रहने वाले वो बात करने वाला हूं। आफ्टर नॉर्मलाइज के लिए मैं अलग से आपके वीडियो बना दूंगा प्रत्येक स्टेट के, आप जिस भी स्टेट को, उस स्टेट के मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा आफ्टर नॉर्मलाइज के बाद में कितने रहने वाले, रो मार्क्स के अकॉर्डिंग कितने रहने वाले हैं। तो आप जिस बोर्ड के हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं सबसे बोर्ड जितने ज़्यादा कमेंट मेरे को जिस बोर्ड के मिलेंगे सबसे पहले मैं आपको उसी की वीडियो यहाँ पर अपलोड करा दूंगा, ताकि मेरे को पता लग सके कि कौन अभ्यर्थी यहां पर मेरे व्यूज ज्यादा है, जो मैं पहले उसी की कटअप आपको इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। बात कर लेते हैं जनरल की। तो दोस्तों, यहां पर आपको
मैं एकदम कटअप बता रहा हूँ, सटीक कटअप बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको नाराज़ भी होने की खुशी नाराज़ भी नहीं होना है, और ज़्यादा खुश तो आप हो सकते हो क्योंकि आगे इतने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन नाराज़ होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सटीक कटअप बता रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपका कटअप जैसे कि 30 से लेकर 35 रहेगी, तो इसका मतलब ये है मैं फेक कटअप बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं जोन वाइज का, आपके जोन वाइज नहीं सॉरी, यहाँ पर आपके स्टेट वाइज कटअप की, स्टेट वाइज ऑल ओवर कटअप बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो जनरल की कटअप रहने वाली है वो 70 से लेके 74 के बीच में रहने वाली है, यानी 70 लेके 74 के बीच में रहने वाली है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद में यहाँ पर आपको कटी हुई बड़ी हुई कटअप देखने को मिलेगी, लेकिन ये पहले रो मार्क्स बता रहा हूँ। ओबीसी की आपकी जो 67 से लेके 70 के बीच में रहने वाली है, एससी की बात करूँ तो 62 से लेके 65 के बीच में रहने वाली है, एसटी की बात करूँ तो 58 से 60 के बीच में रहने वाली है। तो दोस्तों ये कटअप है रो मार्क्स के अकॉर्डिंग है। नॉर्मली के बाद में आपको बड़े हुए मार्क्स मिलेंगे। आप जिस स्टेट के हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, जिस भी स्टेट के हो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले आपको वहीं की कटअप देखने को मिलेगी। मैं सारे का सारा आंकड़ा दोस्तों एकदम सटीक बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, कटअप कैसे लगी वीडियो में कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। प्रत्येक स्टेट की कटअप जाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी SSGD की जितनी भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बाय बाय।